ग्रेनो न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे बाल वैज्ञानिकों के साथ। जी हाँ, वो बाल वैज्ञानिक जो आने वाले समय में ही नहीं वर्तमान समय में भी हमारे भारत के भविष्य हैं। वो बाल वैज्ञानिक जो हमारी और आपकी समस्या के बारे में सोचते हैं, उससे कैसे निपटा जाए इसके बारे में समाधान भी बताते हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं किस विषय पे उन्होंने अपनी जो क्रिएटिविटी है उसे दिखाया है और क्या समस्या दिखी है उन्हें और क्या समाधान दिया है उसका। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कानपुर से आए हुए बाल वैज्ञानिक हैं हेमंत, उनसे जानते हैं आपका क्या टॉपिक रहा है और आप क्या उसके लिए समाधान ढूंढ रहे हैं। मेरा टॉपिक है भदौली गांव के जो विभिन्न जल स्रोत हैं उनकी गुणवत्ता का अध्ययन और उनको जो जल शोधन की विधियों का तुल्यात्मक अध्ययन करना। हमारे गांव में जो जल की समस्या बहुत ही भीषण बढ़ती जा रही है और जल प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है, जिससे लोगों को स्वस्थ अच्छा पानी या शुद्ध पानी पीने योग्य नहीं मिल पा रहा है और जो यहाँ पर वहाँ पर गंदगी जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे हमने उन लोगों को सचेत किया है और जागरूक करने की प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम पानी का दुरुपयोग करें और उसको पीने योग्य पानी को पीने योग्य मिलाएं और जो नहाने योग्य पानी है ये इसके लिए थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि वो कैसे किया आपने रिसर्च की पीने योग्य पानी को अलग रखें या यस यस इसको कैसे। पहले तो हमने उसको ये जानना जरूरी है कि शुद्ध जल कैसा होता है। शुद्ध जल की पहचान है कि शुद्ध जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और उसका टीडीएस 100 से 500 के बीच में होना चाहिए और उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए और उसमें जो जैविक अशुद्धियाँ होती हैं बैक्टीरिया और ये शैवाल होते हैं जिससे जल को कलर चेंज होता है। जैसे कि शैवाल होते हैं तो उनसे हरा कलर होता है, लौह तत्व होते हैं अधिक मात्रा में उससे लाल कलर होता है। आपके साथ में इसमें किसका किसका सहयोग मिला और इस काम में? सबसे ज्यादा हमें तो सहयोग मिला है हमारे गाइड टीचर और हमारे जो प्रधानाचार्य हैं और हमारे पिताजी माताजी। आप कितने उत्साहित हैं? हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है सर, इतनी प्रसन्नता हमें कभी आज तक नहीं मिली है जितनी आज हमको महसूस हो रही है। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? भविष्य हम ये करना चाहते हैं कि अपने अपने गांव को ही नहीं, पूरे अपने क्षेत्र और देहात कानपुर देहात और इससे पूरे देश को जल प्रदूषण की समस्या से निष्कर्ष निकालेंगे। ये थे हेमंत जो बता रहे हैं कि ये बाल वैज्ञानिक हेमंत बता रहे हैं कि ये अपने गांव ही नहीं वरन देश के अन्य जगहों पे भी जहां जल प्रदूषण की समस्या है उससे हमें निजात दिलाएंगे। हमारे साथ और दूसरे बाल वैज्ञानिक है कानपुर से, आपका नाम क्या है और आपका विषय क्या था? मेरा नाम शिवांग मिश्रा है, मेरा विषय था स्वास्थ्य सफाई और स्वच्छता। आजकल हम लोग देखते हैं कि सफाई और स्वच्छता पे बहुत हो रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसके लिए बहुत ही जागरूक हैं, इसके लिए बहुत ही कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि लोग इसके विषय में जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लोग अपनी एक्टिविटी को बदलना नहीं चाहते हैं, वो उसी पे आगे बढ़ते रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि जैविक खादों का प्रयोग करें या फिर इनका प्रयोग करें, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि होता क्या है। होता क्या है ये बता दीजिए। हाँ, ये होता है जैसे पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ हैं ये, और जो जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी भूमि में मिल जाते हैं ये हैं जैविक पदार्थ। ये जो जैसे हम लोग प्लास्टिक को खेतों में डाल देते हैं तो ये अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, ये कभी मिट्टी में नहीं मिल सकती। आप इसको चाहे रख के देख लीजिए, ये कभी मिट्टी में नहीं मिलेगी। इसलिए प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें और अपशिष्ट पदार्थों को हम यहीं वहाँ ना छोड़ें, उनको अपने खेतों में डालें, ये हमारे खेत की उपज को बढ़ाते हैं। हम लोग DAP यूरिया से हानिकारक खादों का प्रयोग करते हैं, इससे क्या होता है हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमें जैविक खादों का और अन्य खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ भी रहें और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना हो। तो आप यहाँ जो किसान हैं, आप उन किसानों को क्या बताना चाहिएगा, क्योंकि वो तो बोलते हैं हम यूरिया खाद का उपयोग अगर करते हैं तो प्रोडक्शन जो है हमारा वो ज़्यादा होता है, तो उसको उनको आप क्या कैसे समझाइए? प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है तो उससे हम बीमार होते हैं, उतना हम डॉक्टर के यहाँ भी दे आते हैं। तो अगर हम डॉक्टर के आना जैसे हमारे बॉडी को भी हानि पहुंचती है, अब मनुष्य की औसत उम्र भी कम हो गई इसी वजह से। इसलिए अगर हम थोड़ी उपज को अपना कम कर लेंगे या ज़्यादा नहीं होगा तो आगे भी वही चलता रहेगा, बढ़ती रहेगी, हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे। अगर ये करेंगे तो हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे। आप लोग का ग्रेटर नोएडा में इस शहर में या इस कॉलेज में कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है, यहाँ पर आने से हमें बहुत ही अन्य चीज़ें हमें देखने को मिलती है, यहाँ का वातावरण और जो यहाँ की वो एक्टिविटी है वो सब हमें बहुत अच्छी लगी। तो अभी हम बात कर रहे थे बाल वैज्ञानिकों के साथ जिन्होंने हमें विस्तार से बताया कि क्या क्या समस्या जो है मौजूदा समय में है और किस तरीके से उसे निपटा जाए उसके बारे में बताया। आप जुड़े रहें ग्रीन न्यूज़ के साथ।